हे गाइस व्हाट्सअप। तो आज के दिन मैं आपको देने वाला हूँ 3 मंथ का ओनरशिप रिव्यू आपकी रॉयल इनफील्ड मीटियोर 350 का। 3 महीने हो गए इस बाइक को चलाते हुए, काफ़ी अच्छी बाइक है। इसका डिटेल रिव्यू करेंगे आज की वीडियो में कि 3 महीने में क्या कुछ अच्छा लगा, क्या कुछ ख़राब लगा, क्या कुछ माइलेज दे रही है बाइक, कोई कमी तो नहीं है, क्यों आपको लेनी चाहिए, क्यों नहीं लेनी चाहिए, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो पहले तो ओवरऑल लुक देख लो भाई बाइक का, 3 महीने में क्या कुछ हो गया है। फिलहाल इसका प्राइस 2.5 लाख रुपये के आसपास चल रहा है, तो क्या 2.5 लाख रुपए में आपको ये बाइक लेनी चाहिए? तो इसका जवाब है बिल्कुल लेनी चाहिए भाई, अच्छी बाइक है। अगर स्पेशली आप लॉन्ग राइड्स वगैरह करते हो तो आप डेफिनेटली इस बाइक को कंसीडर कर सकते हो, बहुत अच्छी बाइक है इस प्राइस रेंज के अंदर। 350 cc का बिल्कुल लेटेस्ट आपको रॉयल इनफील्ड का इसके अंदर इंजन मिलता है, जे सीरीज इंजन, जो कि आपको 20.2 BHP की पावर निकाल के देता है और 27 Nm का टॉर्क। बिल्कुल रिफाइंड इंजन है ये, बिल्कुल ही वाइब्रेशंस नहीं है इस इंजन के अंदर। और जो मीटियोर 350 है ये क्रूज़र बाइक है और इसका लुक भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कंफर्टेबल बाइक है। चलाई तो काफ़ी कम है लेकिन जितनी भी चलाई है उसके अनुसार मैं आपको कह सकता हूँ कि बाइक बहुत अच्छी है। 15 लीटर का इसके अंदर आपको बड़ा टैंक मिलता है जिसकी जो रिजर्व कैपेसिटी है वो 3 लीटर की है और माइलेज भी बहुत अच्छा निकाल के दे रही है हमें ये बाइक। लगभग 35 से 40 का माइलेज आराम से निकाल के दे देती है बाइक। पिकअप वगैरह भी बढ़िया है इस बाइक का और 120 तक जाती है भाई मैक्सिमम अगर आप इसको भगाओ वगैरह तो। और ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी है इसके अंदर, आपको 300 mm का फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलता है, पीछे आपको 270 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है। ड्यूल चैनल भी इसके साथ ब्रेकिंग बहुत अच्छी हो जाती है। थोड़ी सी नीची बाइक है क्योंकि इसमें जो पीछे वाला टायर है वो 17 inches का है और फ्रंट जो है 19 inches का है, तो थोड़ी सी नीची हो जाती है बाइक। लेकिन रियर टायर भाई काफ़ी चौड़ा है, 140 सेक्शन का जो है पीछे टायर मिलता है आपको, 140/70/17 का ट्यूबलेस टायर आते हैं इसके अंदर, तो काफ़ी वाइड टायर है। रोड पे ग्रिप काफ़ी अच्छी है इस बाइक की और सस्पेंशन वगैरह भी अच्छे हैं क्योंकि फ्रंट में इसका आपको 130 mm ट्रैवल के साथ मिलता है सस्पेंशन, तो जो सस्पेंशन है काफ़ी अच्छा है, 41 mm फ्रॉक्स टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आते हैं इसके अंदर। बाकी बाइक का वेट भी ठीक ठाक है, 190 kg के आसपास की बाइक है और सीट हाइट भाई ठीक है इसकी, 765 mm की। अगर आपकी हाइट कम भी है तो भी आप इस बाइक को आराम से राइड कर पाओगे। ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छी है इसकी भाई, नीचे वगैरह टच नहीं होती है, ऐसी नहीं कि नीचे बाइक है तो टच हो जाएगी। 170 mm की आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, तो एक ओवरऑल अच्छा पैकेज है। और इस बाइक के साथ भाई एक्सटेंडेड वारंटी ले रखी है, तो 5 साल की वारंटी इस बाइक के साथ हमें मिली हुई है, तो 5 साल भाई काफ़ी लंबा टाइम हो जाता है। तो एक रिलायबल प्रोडक्ट है भाई, रॉयल इनफील्ड का प्रोडक्ट है। परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है बाइक की, हमें परफॉर्मेंस के मामले में कहीं भी परेशानी नहीं हुई है और मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह भी काफ़ी कम है क्योंकि अभी 500 किलोमीटर पे इसका थोड़ा सा चेकिंग वगैरह ही की थी उन्होंने, कोई ज़्यादा पैसे लगे नहीं। बाकी मुझे ज़्यादा पता नहीं है कि क्या कुछ सर्विस कॉस्ट वगैरह आई है, अदरवाइज़ वो तो भाई कम ही बता रहा था, 200-250 रुपये ही बता रहा था, कोई ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ इसके अंदर, ठीक है ना। तो बस यही है ओवरऑल हमारा इसका ओनरशिप रिव्यू। बाइक बहुत अच्छी है, चलने में बहुत अच्छी है। ना लेने का अगर मैं आपको बताऊँ तो ना लेने के भाई ज़्यादा तो कुछ कारण है नहीं। अगर आपकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है तो भी आपके ऊपर बाइक अच्छी लग जाएगी, थोड़ी बल्क की बाइक है, ठीक है ना। और अगर आपकी हाइट कम है तो भी आप पे अच्छी लगेगी, थोड़ा सा मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि फुटपैक्स की पोजीशन भी इसकी थोड़ी सी आगे की तरफ है अगर आप देखो तो। अगर आपका ज़्यादा हाईवे रन वगैरह है, मतलब आप टूरिंग वगैरह के शौकीन हो, तो डेफिनेटली आप ये बाइक ले सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपका मतलब डे टू डे लाइफ में आपको चलाने के लिए एक अच्छी बाइक चाहिए तो वहाँ पर मैं इसकी जगह आपको क्लासिक 350 रिकमेंड करूँगा, ठीक है ना। तो भाई वो अच्छी बाइक है इसके मुकाबले, ये भी अच्छी है, ये ख़राब नहीं है, लेकिन अगर आप डे टू डे लाइफ के अनुसार देखें तो वो मुझे पर्सनली क्लासिक 350 ज़्यादा बेटर लगती है। वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है भाई, किसी की क्या चॉइस है, किसी की क्या चॉइस है, किसी की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किसी को किस वजह से कोई बाइक अच्छी लगती है, काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन ये बाइक भी ख़राब नहीं है, सेम क्लासिक 350 है, ये इंजन सेम है, सब कुछ सेम है, चलने में भी वैसी है। मैं क्लासिक 350 भी चलाता हूँ, मेरे पास है, और ये बाइक भी वैसी है चलने में, ओवरऑल ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बाइक बहुत अच्छी। कमियां भाई अभी तक तो कुछ आई नहीं है 3 महीने के अंदर भाई, कुछ चीज़ ख़राब हो गई हो कुछ भी नहीं हुआ अभी तक इस बाइक के अंदर, बिल्कुल बढ़िया चल रही है, बढ़िया माइलेज निकाल के दे रही है, सब कुछ ओके है, ठीक है। और चलाया बहुत कम है बाइक को, लगभग 500 किलोमीटर ही चलाया होगा खींच के, ठीक है ना। तो बस यही था हमारा ओनरशिप रिव्यू 3 महीने का मीटियोर 350 का। बहुत से भाई बोल रहे थे भाई मीटियोर का बना ओनरशिप रिव्यू, तो इसलिए मैंने बना दिया। आज की वीडियो में इतना ही था, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।